गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मुझे सुबह सुबह सब्जी बनानी पड़ रही है, वो भी बैंगन की, क्योंकि हस्बैंड अभी कोचिंग जा रहे हैं और वो आएंगे शाम को। तो रोज़ दोपहर में लंच करने आ जाते हैं, बट आज उनको टाइम नहीं है, तो मुझे सुबह सुबह सब्जी बनानी पड़ रही है, वो भी इतनी सर्दी में। तो अभी बेटी को उनके पापा को देख के आई हूँ कि आप थोड़ी देर रखो इसको, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। तो अभी बनाते हैं खाना। इतनी सर्दी है ना, सुबह सुबह इतनी सर्दी होती है ना, बहुत ज़्यादा, बिस्तर में से निकलने का मन ही नहीं करता, बट क्या करें, बनाना पड़ेगा। तो अभी 11 बज चुके हैं, क्योंकि सुबह मैंने खाना बनाने के बाद में मैं खुद भी सो गई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे की जगी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो अभी जस्ट मैं उठी हूँ और उठ के मैंने लगाया है पानी गरम। आज गुड्डू को मैंने यहाँ सुलाया है क्योंकि मुझे अंदर बेड की बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो मैंने थोड़ी देर वहाँ सुला दिया उसको। एक तो सर्दियों का मौसम और ऊपर से बच्चे को फीड करवाना पड़ता है, तो इतनी ज़्यादा प्यास लगती है ना, हर 5 मिनट में कि पानी पीते ही रहो। मशीन है हमारे पानी गर्म या ठंडा करने की, इसमें ये जो बोतल आती है ये फिल्टर पानी की डाल देते हैं, और इसमें रेड वाले में एक में गर्म पानी आता है, और ये जो ब्लू कलर वाला है इसमें ठंडा पानी आता है। पीछे इसके दोनों के स्विच हैं, तो यहाँ से इसको ऑन करने पे ये जो येलो लाइट जल रही है इससे गर्म पानी हो जाता है तरह से। तो गाइस 12:15 हो चुके हैं, लंच टाइम है, आइए आप सब लोग भी लंच कर लीजिए। लंच में आज मैंने बनाया है चपाती, दही और बैंगन की सब्जी। तो अभी कर लेते हैं लंच, तब तक पानी गर्म हो जाएगा, तो नहा के गुड्डू को नहला के फिर थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। तो गाइस अभी मैं हुई हूँ फ्री, तो अभी मैं नहा के हुई हूँ फ्री और मेरा बुग्गा सो रहा है छत पे। ये दीदी बैठी है बुग्गा को लेके, क्या कर रहा है बुग्गा? हाय हाय, धूप के मजे ले रहा है मेरा गोलू। ऐसे जिसकी ड्यूटी लगे बच्चे रखने की, तो उसको तो वेट लॉस करने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि ये बुग्गा जो है वो इतनी एक्सरसाइज करवा देता है सुबह से लेके शाम तक। अभी देखो इसको, बंदरू को वही, ये हमारा डोरेमोन है वही। इसको ऐसे सुलाओ तो ही ये सोएगी, और जैसे ही बेड पे सुलाओगे ऐसे बटन की तरह आंखें खोलते हैं, जैसे लाइट का बटन दबाते हैं ना ऐसे। इसको ऐसे हिलाओ तो इसको नींद आती है, ऐसे बच्चे होते हैं आजकल के देखो। और कितनी जोर की नींद आ जाए, जैसे ही बेड पे सुलाएंगे तुरंत जग जाते हैं। जब ये छोटी थी, 1 महीने की थी, 15 दिन की, 1 महीने की थी, तो इतना सोती थी, इतना सोती थी, पूरे दिन और पूरी रात ये जगती ही नहीं थी। तो मैं ऐसे सोचती थी कि क्या पता मेरा बच्चा इतना इनोसेंट है कि पूरे दिन सोता है, मतलब मेरे को परेशान नहीं करेगी ये। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई है, 2 महीने की अभी हुई है, तो मुझे पता लगा कि बच्चे धीरे धीरे जाके बदमाश बनते हैं। अभी ये ना दिन में सोती है ना रात को सोती है, दिन में कभी इसका मूड होगा तो सो जाएगी, अदरवाइज नहीं। दिवाली वाले दिन इतने फटाके की आवाज आ रही थी, इतनी फटाकों की आवाज आ रही थी, लेकिन इसकी नींद मजाल से टूट जाए, इतनी गहरी नींद में सो रही, मतलब अच्छे अच्छे डिस्टर्ब हो जाए इतने फटाकों की आवाज में, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जैसे मैं लास्ट वाले ब्लॉग में बता रही थी आपको कि इसका नाम गैप पे निकला है, तो हमने ऑफिशियल इसका नाम जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है वो हमने ग्रीष्मा रखा है। ग्रीष्मा, ग्रीष्म ऋतु जो होती है, वैसे ग्रीष्मा इसका नाम है। और घर के लिए हमने इसका नाम, मैंने रखा है घर के लिए दीक्षा, और हस्बैंड ने रखा है वंशिका। तो हम दोनों कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा नाम रखें, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ऑफिशियली नाम इसका वहीं तक सीमित रहे, मतलब ऑफिशियली नाम ऑफिशियली ही रहे, बाकी घर के लिए अलग नाम हो। तो दीक्षा या वंशिका, इसमें से कौन सा नाम बेस्ट है आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें, क्योंकि हम दोनों में बहस चल रही है कि कौन सा नाम रखें। तो
जिसके जिस नाम पे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे हम वही नाम इसका रखेंगे। कि बच्चे रोते हैं तो रोने की आवाज से कैसे पता लगता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तब वहां पे एक दो लेडीज थी तो उन्होंने इसकी रोने की आवाज सुन के ही बोला कि लड़की हुई है, कोई बोले लड़का हुआ है। मुझे तो नहीं पता लगता कि रोने की आवाज से कैसे पता लगता है लड़का है लड़की है, मेरे लिए तो दोनों सेम सेम है। सच में गाइस जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक अजीब सा फेस होता है उनका, मतलब कई बच्चों का फेस तो ऐसे होता है कि डर जाए इंसान देखे से, बंदर के जैसा बिल्कुल लाल एकदम, और फीचर्स भी पता नहीं अलग ही होते हैं इसके, अजीब से फीचर्स भी अलग ही रहते हैं इसके, फीचर्स भी अलग ही होते हैं। और जैसे जैसे टाइम निकलता है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ और 6 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो सच में कोई बता नहीं सकता कि जब पैदा हुआ था वही बच्चा है क्या, मतलब लिटरली पूरा अलग चेंज हो जाता है। इसमें भी बहुत सारे चेंज आ गए, पैदा हुई थी तब अलग ही फेस था इसका, और फिर 1 महीने की हुई तब थोड़ा सा अलग चेंज, कभी पापा में मैच करता है फेस, कभी मेरे में मैच करता है, तभी तो कोई फिक्स नहीं है। जब ये 6 मंथ की होगी तब जाके पता लगेगा कि किस पे जा रही है। टकलू महाराज हमारा बट गाइस सच में बहुत तगड़ी वाली एक्सरसाइज हो जाती है, मेरा पूरा बैक पेन करने लग जाता है इसको, रात को भी बैठ के गोदी में फीडिंग करवानी पड़ती है क्योंकि। हाँ एक बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो स्पेशली मुझे भी हॉस्पिटल में ही पता लगा, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था इस चीज का, कि हमारे जो घर में जब देखते थे बड़े भाभी वगैरह या चाची वगैरह इनके भी बेबी हुए थे तो लेट के फीडिंग करवाते थे बेड पे, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने स्पेशली मुझे बोला कि कभी भी लेट के बच्चे को फीडिंग नहीं करवानी चाहिए, उससे बच्चे के कान में ब्लड आने की संभावना रहती है, सांस नली में मिल्क जाने की संभावना रहती है, तो हमेशा जब भी फीड करवाएं बैठ के फीड करवाना चाहिए। बच्चे का जो हेड है वो पैरों से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने जैसे ले रखा है इस पोजिशन में बच्चा होना चाहिए, ऐसे सीधा करके भी फीड नहीं करवाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चा हिचकी लेता है या फिर बच्चे की सांस नली में मिल्क जाने की संभावना ज्यादा होती है। और डॉक्टर ने मुझे ये चीज मतलब पहली बार सुनी कि जब हम लेट के बच्चे को फीड करवाते हैं दूध पिलाते हैं तो कान में से ब्लड आने की संभावना होती है, डॉक्टर ने मुझे बहुत बार बोली ये चीज कि आप बैठ के फीड करवाएं, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए बात क्योंकि मुझे भी पहली बार ही पता लगी। तो रात को भी इसको ऐसे तो रात को भी जब मैं बैठ के फीड करवाती थी तो स्टार्टिंग में जब 1 मंथ हुआ बच्चा पैदा होने के बाद मुझे इतना बैक पेन होने लग गया, पीछे मेरी गर्दन से ऐसे की ऐसे ही रह गई, मतलब मुझे लगा ये दर्द काफी टाइम तक रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारी लेडीजों की रह जाता है हाथ में भी, मतलब स्टार्टिंग में बच्चे को उठाते हैं तब बाद में जाके वो दिक्कत करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में मैंने कंटिन्यू कैल्शियम आयरन रखा, दूध अच्छे से लिया तो अब जाके मुझे बहुत रिलीफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खाने पीने की वजह से भी होता है कि हम कैल्शियम कम इंटेक करते हैं तब भी हो जाता है, और फिर पूरे टाइम बैठे रहते हैं तो एक अकड़ सी जाती है बॉडी, लेकिन फिर भी मतलब फील्ड तो बेबी को बैठ के ही करवाना चाहिए। और अगर ऐसे हाथ दुख जाते हैं स्टार्टिंग में, बॉडी कच्ची होती है बहुत ज्यादा, मसल्स वीक होती है, तो नीचे गोद में एक पिल्लो रख लो सॉफ्ट सा और उस पिल्लो के ऊपर बेबी को ऐसे सुला के फिर फीड करवा सकते हैं, तो वो ज्यादा इजी रहता है मॉम के लिए भी और बेबी के लिए भी। गांव में लेडीज डायपर ज्यादा नहीं पहनाती है, बच्चे को कहीं जाते हैं तभी हम पहनाते हैं, लेकिन शहर में लेडीज मतलब इतने ज्यादा गीले कपड़े कोई चेंज नहीं करता, सिटी में आपको भी बताया तो एनी टाइम उसको डायपर पहना के रखते हैं। लेकिन गाइज बच्चे को जितना कम हो सके डायपर वियर करवाना चाहिए, जितना कम हो सके डायपर पहनाए, मजबूरी में अगर कहीं जाना हो तभी, अदरवाइज घर में रहें तो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े उसको पहनाए, जब भी वो टॉयलेट करता है तो भले ही अपने को रात को उठ के चेंज करना पड़े, दिन में बार बार चेंज करना पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में जब बच्चे को एनी टाइम डायपर पहनाते हैं ना तो बच्चे के प्रॉब्लम होने लग जाती है, ये चीज मैंने फेस की है। मैंने एक दिन पूरा दिन मतलब डायपर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि 12 घंटे का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें, 12 घंटे तक मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चा पहन सकता है, लेकिन वो दिक्कत इसलिए कि भाई बच्चे को गीला फील नहीं होता इसलिए 12 घंटे का एब्जॉर्प्शन उसमें शो करते हैं। तो मैंने रात को बच्चे को 12 बजे डायपर पहनाया और सुबह मैंने 5 बजे निकाल दिया, देन उसके बाद में दिन में 10 बजे मैंने इसको नहला के, और नहलाने के बाद क्या है सर्दी में बच्चा बार बार टॉयलेट करता है तो मुझे लगा ये सो जाएगी अच्छे से, क्योंकि रात को सो नहीं पाई थी क्योंकि मैंने डायपर इसको पहना दिया 4-5 घंटे फिर से, तो इसने इतना येलो कलर का टॉयलेट किया पूरे दिन, मतलब बच्चे को इतना ज्यादा गर्मी हो गई उससे,
तो रियली बच्चा जब छोटा होता है ना तो कोशिश करें कि कम से कम उसको डायपर पहनाए। तो मैं तो खुद रात को, तो उसके बाद मैंने उसको पहनाना ही बंद कर दिया। मैं मतलब इस टाइप की इसकी पजामी रखती हूँ 8 से 10, और बार बार वही पहनाती हूँ मैं इसको। और बच्चे को जैसे ही हम हैबिट डालते हैं ना, वैसी ही हैबिट डलती है। तो मैंने इसकी हैबिट डाली कि जैसे ही इसको दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद टॉयलेट करती है, तो मैं इसको टॉयलेट करवा लेती हूँ नीचे। वाटर प्रूफ एक गुदड़ी है छोटी सी, जो हॉस्पिटल वालों ने हमें दी थी, उसके ऊपर करवा लेती हूँ। देन उसके बाद इसको पजामे पहना देती हूँ। तो ये बिस्तर में भी टॉयलेट नहीं करती, इसकी वैसी ही हैबिट डल गई कि जैसे ही दूध पिलाएगी मम्मा, उसके बाद इसको टॉयलेट करना है। तो मतलब दूध पिलाते ही इसको उस गुदड़ी पे टॉयलेट करवा लेते हैं, वाटर प्रूफ है तो नीचे बिस्तर खराब नहीं होते। और देन उसको फिर दूसरे दिन वॉश कर देते हैं। तो रात को भी 4 से 5 बार, रात को ये 3 से 4 बार टॉयलेट करती है, क्योंकि 3 से 4 बार ये दूध पीती है। तो बच्चे को जैसे हैबिट डालते हैं, जैसे उसकी आदत डालते हैं, वैसे ही आदत डलती है। सेकेंड चीज कि माँ का अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का भी बच्चे के डाइजेशन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि माँ अगर कुछ हैवी खाएगी तो बच्चा दिन में बार 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 लेटरिंग करेगा। माँ अगर कुछ ऑयली स्पाइसी खा लेती है तो पूरे दिन लेटरिंग करता रहता है। तो मतलब माँ का अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का डाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा न्यूट्रिशन शेक लेती हूँ, जो हर्बल का मैं यूज करती हूँ। और देन उसके बाद में जो गोंद के लड्डू बना रखे हैं मैंने, वो लड्डू और दूध, 10 से 11 बजे मैं 2 या 3 चपाती लेती हूँ, अच्छी हरी सब्जी लेती हूँ, दही लेती हूँ। और 5 बजे कुछ फ्रूट वगैरह हो जाता है, पपीता वगैरह, चीकू वगैरह। फिर शाम को कभी खिचड़ी और कभी दलिया, कभी मूंग वगैरह वैसे बॉईल करके उसमें घी वगैरह डाल के, ऐसा मतलब सिंपल मैं खाना लेती हूँ। तो उसके बाद में अभी 1 महीना हो गया, जब 1 महीने की थी तब ये दिन में 5 से 6 बार लेटरिंग करती थी, क्योंकि उस टाइम वो अजवाइन वगैरह खाते हैं, सौंठ वगैरह खाते हैं, तो गर्मी से बच्चे का भी थोड़ा बॉडी में हीट होता है। जैसे ही वो खत्म हुआ, उसके बाद में मैंने अपना न्यूट्रिशन शेक स्टार्ट किया और डाइट को बिल्कुल नॉर्मल रखा। उसके बाद सुबह फिक्स 6 बजे एक टाइम ही लेटरिंग करेगी, जो भी करवाते हैं तब, ऐसे नहीं कि कपड़े खराब कर देती है, करवाते हैं तब फिक्स 6 बजे। देन फिर सेकेंड डे 6 बजे, मतलब इतने छोटे बच्चे की जैसे आदत डाली वैसे ही आदत डल गई। तो ये है कि अपने को, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना सिंपल और जितना हेल्दी खाना हम खाएंगे तो उसका बच्चे पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बच्चे का डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और वो बार बार लेटरिंग करता रहता है, तो जो दूध इसको पिलाते हैं वो भी इसको नहीं लगता, ना इसकी खुद की हेल्थ बनती है, ना बच्चा हेल्दी रहता है। और पूरे दिन वो डकार लेता रहता है, पूरे दिन अजीब सी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, उसके गैस बनने लग जाती हैं। तो जितना हो सके हमें 2-3 महीने बिल्कुल हेल्दी चीजें खानी चाहिए, नो ऑयली, नो स्पाइसी, कोई बाहर की चीज नहीं, बस सिंपल 3 टाइम दूध लो, 2 टाइम दूध, 1 टाइम जूस ले सकते हो, बिल्कुल हरी सब्जी लो, और वो चीजें लो जिनमें अच्छा न्यूट्रिशन होता है। और सेकंड थिंग कि औरतें, बड़ी बड़ी बूढ़ी औरतें बोलती हैं कि 3-4 महीने या 4-5 महीने तक, या फिर बच्चा जब तक दूध पीता है तब तक आपको दही नहीं खाना, छाछ नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मैं फिक्स 1 महीने की दही खाने लगी थी, छाछ लेने लगी थी, लेकिन ठंडा नहीं लेना, बिल्कुल फ्रीज का नहीं लेना। दोपहर में, लंच में आप ले सकते हैं, हल्का सा उसको धूप में रख दो, या तो धूप में ज्यादा बेटर रहेगा, धूप में उसको रख दो, थोड़ा सा वो वार्म हो जाएगा, हल्का सा मतलब उसका जो ठंडापन होता है वो निकल जाएगा। देन उसके बाद आप ले सकते हो। मैं 1 कटोरी दही और 1 गिलास छाछ हमेशा दोपहर में लंच में लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हमें लिक्विड की पूर्ति भी हो जाती है और हमारी डाइजेशन के लिए भी दही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो जितनी हेल्दी चीजें होती है उतनी चीजें हमें खानी चाहिए। हरी सब्जी, पालक है, बथुआ है, हाँ मेथी है, इन सब चीजों को आप दाल में डाल के ले सकते हैं, चपाती में डाल सकते हैं। और घी, हाँ भैंस का या गाय का जो भी है, 7 से 8 kg घी खाना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। मैं खुद अभी 2 महीने मेरे को हो गए, लेकिन वही है कि जब जो चीज खानी होती है वो खाई नहीं जाती है कभी भी। तो अभी कुछ मैं लड्डू में बना रखे हैं, तो कुछ अभी मैं लड्डू में खाती हूँ, लड्डू बना रखे हैं, फिर मीठा अच्छा भी नहीं लगता, कुछ चपाती में ले लेते हैं, कुछ खिचड़ी में ले लेते हैं, ऐसे करके। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि 8 से 10 kg की कंप्लीट हो जाए, बट अभी उसमें भी टाइम लगा, क्योंकि 1 साल इतना नहीं खाया जाता, आजकल की जनरेशन से नहीं खाया जाता। पहले वाली औरतें खा लेती थी, क्योंकि वो काम करती थी तो उनके डाइजेस्ट हो जाता था। अब अपन पूरे दिन बैठे रहते थे तो वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती, भूख ही नहीं लगती, तो खाएं कहाँ से। तो इसलिए जितना हल्का खाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लेंगे, तो बॉडी में न्यूट्रिशन की
कमी पूरी हो जाती है, तो बच्चा हेल्दी रहता है और हम खुद भी हेल्दी रहते हैं और हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो अभी मेरा डोरेमोन सो चुका है और मैं इसको सुलाती हूँ नीचे, क्योंकि फिर गोदी की इसकी आदत हो जाएगी।